हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू डियर सी शो। तो आज हम लोग आए हैं यहाँ पे, आज संडे है, नवरात्रि के बाद पहली बार हम लोग चिकन खाने वाले हैं। तो आज हम लोग आए हैं यहाँ पे होटल नेचुरल फूड में, जहाँ पे उनका दावा है कि यहाँ पे अगर आप खाओगे तो आपको एसिडिटी नहीं होगी। स्पेशल काढ़ा मसाला जो होता है उसका सब्ज़ी यहाँ पे हमें मिलने वाला है। तो ये देखिए हमारे साथ कौन कौन आया है, और ये देखिए हाय कर रहा है। तो चलिए आज ट्राई करते हैं। वैसे हमने पहले ट्राई किया ऑर्डर देने का, तो आज संडे होने की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और इस वजह से बहुत सारी चीज़ें तो ख़त्म ही हो गई है, मतलब हम लोग लेट आए। यस, ऑब्वियसली हमारा फॉल्ट है। तो अभी फ़िलहाल हमने ऑर्डर दिया है एक फ्राइड पापड़ एंड चिकन फ्राई। तो आने के बाद आपको बताती हूँ कि उसकी टेस्ट कैसी है और वो किस तरह से आया है। स्पेशल काढ़ा मसाला होने वाला है यहाँ पे, तो आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में। अभी जो है हमारा जो चिकन फ्राई है वो आ चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये है चिकन फ्राई और ये है पुणे का फेमस काढ़ा मसाला जिसमें चिकन फ्राई बनाया गया है। इसमें टोमेटो जो है यूज़ नहीं होता है फ्रेंड्स। तो चलिए ट्राई करते हैं आज का चिकन फ्राई और टेस्ट कैसे है मैं आपको खा के बताऊँगी। वैसे टेस्टर हमारे पास है ऑलरेडी, तो हम उससे पूछेंगे अभी। तो हमारा जो टेस्टर है ऑलरेडी, आई भी टेस्ट कर रही है और भाई भी टेस्ट कर रहा है। तो कैसा है? बहुत बढ़िया टेस्ट है। गुड, आई तुला मस्त। तो चलिए अब मेरी बारी है टेस्ट करने की। चलिए मैं यहाँ पे टेस्ट कर रही हूँ। टेस्ट बहुत ही बढ़िया है और जिस तरह से तीखा हम लोगों को पसंद है उसी तरह से ये तीखा है। तो फ्रेंड्स अभी जो है मैं खा लेती हूँ पहले, उसके बाद जो हम मेन कोर्स ऑर्डर करने वाले हैं उसके बारे में देखेंगे। हाय फ्रेंड्स, अभी जो है हमारा चिकन फ्राई जो स्टार्टर था वो खाना ख़त्म हो गया है। तो हमने अब चिकन थाली के ऑर्डर दिए। मैं एक्चुअली थोड़ा सा ट्राई कर रही थी कि वेज एक थाली मंगाए तो वैरायटी ऑफ फूड हो जाएगा, लेकिन मेरे लक से वो बैंगन ख़त्म हो गए थे, तो इसलिए मैंने चिकन थाली मंगवाई है। तो ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारे जो दो जवान हैं यहाँ पे वो कैसे। ये देखिए यहाँ पे खा रहे चाट चाट के मसाला। स्मूथ मसाला है, कोई तकलीफ होगी नहीं ऐसा गारंटी लग रहा है मुझे। या क्योंकि इसको ना एसिडिटी का बहुत तकलीफ है मसाला खाया जाता है, तो इसलिए इसने ये जो है चूज़ किया है। और ये देखिए किस तरह से इन्होंने क्लीन किया है ये प्लेट। तो ये जो फ्राइड पापड़ था वो भी अभी ख़त्म होने को आया है और मेरी आई जो है फ्राइड पापड़ खा रही है। आई आवड़ला तुला? उसको बहुत पसंद आया। आज मम्मा ने नया नया ड्रेस पहना है। वैसे मैं आपको हमारे ड्रेसेस के बारे में भी बताने वाली हूँ, लेकिन अभी बाद में बताऊँगी एक एक ड्रेस ट्राई करके, क्योंकि मैंने बहुत सारे ड्रेस एक ही बारी में ऑर्डर किया। और वैसे आपको मुझे मेरी चप्पल भी दिखानी है। तो भाई आप अभी चिकन फ्राई थाली खाने वाले हो? चिकन फ्राई थाली खाऊंगा अभी। और उसमें जो है बाजरे की भाकरी, और उसमें जो है बाय डिफ़ॉल्ट खीमा वाटी करके एक ये है मेनू, वो आने वाला था। तो भाई ने उसको रिप्लेस करके सुकट चटनी बोला, सुकट चटनी बारीक झींगे वाली चटनी होती है वो वाली मंगवाई है हरी मिर्च के साथ। राइट, हरी मिर्च पता नहीं अभी। ओके, तो देखते हैं वो कैसे आता है। और आई का भी खाना हो गया है मेरे ख्याल से। और यहाँ पे हमने सोचा कि और कुछ स्टार्टर मंगवाए, लेकिन आई ने बोला कि नहीं अभी कोई स्टार्टर नहीं चाहिए। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये कवर करना था एक्चुअली मुझे कब से। तो ये देखिए यहाँ पे, तो चलिए अभी जो है हम लोग थाली का वेट कर रहे हैं। ये प्लेट से भी उठाई जाएगी और देखते हैं थाली कैसे आने वाली है। वैसे आप मेरा ड्रेस देख सकते हो, ये भी मैंने नया वाला ऑर्डर किया है। ये इसका जो है ये पुराना है, और हमने जो हमारे नए वाले, ये देखिए ये ड्रेस और मैडम जी की सोने की अंगूठी है यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको। तो अभी जो है हम लोग, अच्छा एक स्पेशलिटी यहाँ पे एक थाली आती है यहाँ पे वेज या चिकन फ्राई थाली हमने जो ऑर्डर करी उसके मेनू में आपको एक बार बता देती हूँ। तो हमने ऑर्डर किया है चिकन फ्राई थाली। चिकन फ्राई थाली में आया है हमको चिकन फ्राई आनी रस्सा, इट मीन्स वो येलो वाला सूप होता है वो वाला, फिर रस्सा वाटी, यहाँ पे जो ग्रेवी होता है वो अलग से एक कटोरी में मिलता है,
उसके बाद खीमा वाटी जिसको रिप्लेस करके इसने वो झींगा चटनी मंगाई है, और मैं खीमा वाटी ट्राई करने वाली हूँ। अंडा बॉईल भी आता है, उसके साथ चपाती आता है, चपाती के लिए ऑप्शन है भाकरी भी आता है उसके साथ, ज्वारी या फिर बाजरी का, और फिर इंद्रायणी का भात होता है, आई मीन राइस होता है, और एक पानी बॉटल। हाँ, सबसे खासियत तो ये कि यहाँ पे पानी बॉटल भी मिलती है थाली के साथ, इट मीन्स कि कंप्लीट पूरा पूरा खाना होता है वो। तो अभी जो है हम लोग ट्राई करने वाले हैं हमारा जो चिकन वाला जो भी है। मेरे ख्याल से एक थाली में कितना आता है क्वांटिटी में अभी बता नहीं सकती, फर्स्ट ट्रायल है हमारा, तो देखते हैं क्या होता है। वैसे मेनू में आपको थोड़ी देर में दिखा देती हूँ। ये फ्रेंड्स, ये है होटल नेचुरल फूड, वेज नॉन वेज, और यहाँ पे जो है मेन्यू में आपको दिखा रही हूँ ये इस तरह से है, और बहुत सारे हैं इनकी खासियत और ये सब सब मराठी में है एक्चुअली। तो ये देखिए यहाँ पे ये सारे मेन्यू हैं यहाँ पे, और भी बहुत सारे मेन्यू हैं। तो वेट हो रहा है थाली का, और उसके बाद हम लोग बताएंगे आपको कि थाली कैसी है और कितने लोग एक थाली में खाना खा सकते हैं। हमने एक्चुअली अलग अलग थाली मंगवाई है तीनों के लिए स्पेशल स्पेशल, तो देखते हैं खा पाते हैं या नहीं और कितना क्वांटिटी आता है। तो थाली आने के बाद फिर से बात करती हूँ आपसे। तो जब तक हमारी थाली नहीं आती हम लोग वेट कर रहे थे, तो अभी जो है हमने सोल कड़ी मंगाई है, ये देखिए यहाँ पे तो सोल कड़ी है, हम लोग पी रहे हैं सोल कड़ी, बढ़िया। ये है आई की सोलकड़ी, ये है मेरी, और ये भाई जो है सोलकड़ी पी रहा है। टेस्ट करते हैं सोलकड़ी। वाह, टेस्टी। और साथ ही साथ हमारा जो है थाली आ गया है, तो अभी थाली दिखाती हूँ आपको। थाली जो है यहाँ पे आ गई है, क्वांटिटी में आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे, ये देखिए हाथ तक लगा, ये सोल कड़ी, और ये है चिकन फ्राई थाली हमने मंगवाई थी, और ये यहाँ पे है येलो जो सूप मैंने बताया था आपको, ये क्या है, खीमा रस्सा, ओके खीमा, और ये काढ़ा रस्सा इसको बोला जाता है। ये है आई की थाली, मेरी थाली आनी बाकी है अभी। तो ये जो है ये देखिए झिंगा की थाली है, बाजरी की जो भाकरी है वो मंगवाई है मैंने। तो अच्छा, तो ये मेरी थाली है, मैंने उसको मैंने आपको बताया था कि उसने वो जो सुकट सुकट मंगवाया है। तो ओके ओके, तो ये देखिए यहाँ पे ये सुकट बड़ा इस तरह से ये सुकट है, और चलिए ट्राई करते हैं खाना सुकट। अभी जो है खाना स्टार्ट कर रहे हैं, टेस्ट कैसे है वो आई को मैं दिखाती हूँ आपको, कि आई बतावे कि आपको क्या टेस्ट का खा ले तू अत्ता सूप पिया, ओके, और सब्जी वाला एक बाइट खा के देखो और बताओ। जो फ्राई है हमने ऑलरेडी ट्राई किया है, तो उसमें रस्सा डाल के वो खाना पड़ता है, ऐसा कुछ होता है शायद से, मुझे वो एग्जैक्टली पता नहीं कैसे खाया जाता है, लेकिन जैसे भी है। कैसे है? बढ़िया बढ़िया। तो चलिए आपको पता चल गया अभी हम जो यहाँ पे हम लोग खाने आए हैं। सुकट चटनी कैसी है? परफेक्ट लगती है, आई ट्राई कर सुकट। तो आई जो है अभी आई थिंक वो सुकट जो है ट्राई कर रही है। ओके, तो कैसी आई? बॉइल अंडा पण दाखवलं तू, तो चलिए खा रहे हैं हम लोग, तो देखते हैं कैसा टेस्ट है इसका। ओके, तो मैं जो हूँ अभी ट्राई कर रही हूँ चिकन काढ़ा रस्सा के साथ, ये जो चिकन है। बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा। तो जो भी मेरे पुणे के व्यूअर्स है, ये जो रेस्टोरेंट है वड़गांव शेरी में है, और मतलब टाटा गार्डन से अंदर जब आते हैं तब ये रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे आके ये जो मैं खा रही हूँ ये ज़रूर ट्राई करिए। नेचुरल, मैंने बताया आपको नेचुरल होटल है इसका नाम, तो बहुत टेस्टी जगह है ये।
तो चलिए अभी मैं खाना खा लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। तो मेरा जो कीमा था वो मैंने चेंज करके मैं बॉयल एग मंगा रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी चिकन खा रही थी, कीमा में मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो चलिए एग का वेट करती हूँ और तब तक खाना स्टार्ट करती हूँ, तो आपसे बाद में बात करती हूँ। खाना जो है हमारा हो चुका है और भाई जो है बिल पे कर चुका है। तो बहुत ही अमेजिंग खाना खाया आज हमने, और इनका मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि इनका कहना है कि इस खाने से एसिडिटी नहीं होती है। बेसिकली हम जब हेवी खाना खाते हैं, चिकन वगैरह, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है। तो चलिए आई को पूछते हैं कैसा लगा खाना। और फाइनली सोल कड़ी भी ख़त्म हो चुकी थी जो मुझे फिर से चाहिए थी। तो अभी जो है कैसा लगा खाना? अच्छा था, बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। तो अभी हम घर पे निकल रहे हैं, रास्ते में आपसे बात करेंगे, बाय बाय। तो ये देखिए हम लोग यहाँ पे बाहर आ गए हैं। दिखाती हूँ होटल नेचुरल फूड बिरयानी हाउस, तवा फिश एंड तंदूरी है यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो एसिडिटी फूड, यहाँ पे स्पेशल काढ़ा मसाला के साथ चिकन बनाया जाता है, आई मीन चिकन मटन वॉट एवर इट इज़। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिए यहाँ पे आके, और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको यहाँ का खाना कैसा लगा। तो भैया ऐसा होता है कि खाने के बाद, आई मीन चिकन अगर आप खाते हो तो पान तो बनता है। तो हम लोग अभी यहाँ पे पान खाने आए हैं, भाई पान ले रहा है और हम लोग खड़े आई और मैं। तो हम लोग जो है अभी पान खाने वाले हैं, तो जो मसाला पान जो सिंपल वाला होता है वो वाला हम लोग खाने वाले हैं। तो देखते हैं, वेट कर रहे हैं पान का और फिर पान खाएंगे। ये है हमारा कौन सा पान है, मसाला पान। ये है हमारा मसाला पान, तो अभी जो है हम लोग खाने वाले का। कैसन है? मस्त है, एवढा मोठा। मी तो अर्धा अर्धा खाणार आहे। कूल, आईने भी खा लिया। फ्रेंड्स मास्क मैंने लगा लिए, ऑब्वियसली पुणे में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कि आप बिना मास्क के घूमें। तो जा रही हूँ घर पे, भाई लेने आने वाला है ऑब्वियसली, और रात के 11 बज चुके हैं। डर वर मुझे ऐसा कुछ इतना ज़्यादा लगता नहीं है, क्योंकि हमारा एरिया है और ऑब्वियसली हमारा एरिया हमें हमेशा सेफ लगता है। तो घर पे जा रही हूँ और घर पे पहुँचते ही वीडियो का एंड कर दूँगी, फिर बताऊँगी कि खाना कैसा रहा। होटल आपने ऑलरेडी देख लिया है। अगर आप चाहते हो कि आप हेवी खाएं और उसके साथ साथ आपको एसिडिटी भी ना हो, तो बेस्ट वे है काढ़ा मसाला, वो जो नो एसिडिटी फूड वाला था। यू कैन ट्राई दैट होटल, सो बेस्ट होटल। ओके भाई, तो घर पे जाने के बाद आपको फिर से हाई करके फिर वीडियो एंड करूँगी। तो चलते हैं घर पे। हे गाइस, घर पे तो मैं आ गई हूँ, अभी ऊपर जा रही हूँ। देखिए यहाँ पे पान मेरा पैर पूरा ख़त्म हो गया है, लेकिन रेड रेड नहीं हुआ, जो कि मुझे जब भी पान खाती हूँ तो मुझे बहुत लगता है कि ऐसे रेड रेड हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एनीवेज, तो अभी जो है हम लोग घर पे आ गए हैं, हमारी माता रानी यहाँ पे बैठी है और पान अभी भी खाया जा रहा है। मेरा पान खा के ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, तो दरवाज़ा खोल देती हूँ। ये देखिए आज हमने पूरा पूरा घर निकाला था, बहुत सारी चीज़ें यहीं पे पड़ी हैं, उठाए भी नहीं गए, थक जो गए थे। तो चलिए पहले घर खोल देती हूँ। आई बार बैठी है क्योंकि कीज़ मेरे ज़्यादा ब्रांडेड तो मैं पहनती भी नहीं हूँ। तो ये आ गए हम हमारे घर में, ये देख लीजिए घर कैसे दिख रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही पड़ी है। तो शिट, आज जो है बहुत सारा काम किया है और
जो है अभी पर्स से वो पार्सल निकाल लेती हूँ जो भी था। ओके पार्सल नहीं है, बॉटल है पानी का और मेरा मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन यार आई का मोबाइल फ़ोन है, नॉट फाइन। तो चलिए पर्स रख देती हूँ फिर आपसे बात करती हूँ। अच्छा मेरे मोबाइल पर ऑलरेडी शूट चल रहा है ना। ओके अभी जो है वीडियो फिनिश करती हूँ। फ्रेंड्स घर पे आ गए हम लोग, अभी खाना खा के आ गए हैं, अभी सोने की तैयारी में है क्योंकि कल स्कूल भी जाना है 7:30 बजे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं कल फिर से एक बार। वैसे मैं बहुत कम वीडियो डाल रही हूँ मेरे व्लॉग पे, लेकिन मैंने सोचा है अभी कि वैसे मैं हमेशा सोचती हूँ तो हाँ, लेकिन मैंने फिर भी सोचा है कि मैं ट्राई करूँगी कि मैं हर रोज़ वीडियो डालूँ। तो चलिए फ़िलहाल के लिए बाय बाय और मिलते हैं कल।